स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की रियोस्टी मूवी टेक पर। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आप ब्लूटूथ के थ्रू एक दूसरे को नेट कैसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अपना नेट किसी को शेयर करते हैं तो दोस्तों आप वाईफाई के माध्यम से शेयर करते हैं। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि जब आप अपना हॉटस्पॉट ऑन करते हैं और अगर आपके हॉटस्पॉट का पासवर्ड दो लोग जानते हैं तो दो लोग कनेक्ट हो जाते हैं, अगर तीन जानते हैं तो तीनों कनेक्ट हो जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप ब्लूटूथ के थ्रू नेट शेयर कर रहे हैं तो एक पेयर बनेगा एक बार में। तो दोस्तों चलिए हम बता रहे हैं आपको कि ब्लूटूथ के थ्रू आप नेट को कैसे शेयर कर सकते हैं, और जितना वाईफाई के थ्रू नेट की स्पीड होती है उससे ज़्यादा स्पीड आपको ब्लूटूथ के थ्रू जब आप नेट शेयर करेंगे तो उसमें ज़्यादा स्पीड मिलेगी। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताएंगे कि ब्लूटूथ के थ्रू आप नेट को कैसे शेयर करें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारा YouTube है वो बिना नेट के और बिना वाईफाई कनेक्शन के चल रहा है, जैसा कि मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना तो मेरा वाईफाई चालू है और ना ही डेटा चालू है, केवल ब्लूटूथ चालू है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको भी बता रहा हूँ कि आप ब्लूटूथ के माध्यम से दूसरे का नेट कैसे ले सकते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आप दोनों मोबाइल्स के सेटिंग में जाएंगे और वहां से आपको दोनों मोबाइल के ब्लूटूथ को ऑन कर देना है। जैसे ही आप दोनों मोबाइल्स के ब्लूटूथ को ऑन करेंगे फिर आपको क्या करना है कि जिस मोबाइल से आप नेट को शेयर करना चाहते हैं उस मोबाइल की सेटिंग में जा करके आपको अदर वायरलेस कनेक्शन में जाना है। वहां जैसे ही जाएंगे तो आपको ब्लूटूथ टेथरिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, तो वहां पर आपको उसको ऑन कर देना है और बैक आ जाना है। फिर दोस्तों आपको जैसे आप कोई भी गाना लेते थे एक दूसरे मोबाइल से तो आप एक पेयर कंप्लीट करते थे पहले, तो उसी तरह दोस्तों आपको दोनों मोबाइल्स का ब्लूटूथ के माध्यम से पेयर कंप्लीट कर लेना है, यानी पेयर बना लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे दोनों मोबाइल्स का पेयर बना ही ले रहा हूँ, तो इस मोबाइल का हमारे जिस में हमको नेट लेना है तो रेडमी का मॉडल है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे पेयर बनाए कंप्लीट किए ले रहा हूँ। और पेयर कंप्लीट करने के बाद आपको देख लीजिए मैं यहाँ पे जैसे अपने मेरा ईश्वरी पेयर कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि जैसे रेडमी का है तो इसके सामने एक आइकन आपको दिखेगा, उसमें आपको क्लिक करना है, और उसमें क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि इंटरनेट एसेस का ऑप्शन दिखेगा आपको। तो जैसे इंटरनेट एसेस का ऑप्शन दिखेगा उसको ऑन करना है, और इस वाले मोबाइल में हमारा ये रियलमी 7i वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। तो यानी इस डिवाइस का नेम मेरा रियलमी 7i है, तो आपको रियलमी 7i वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और इस साइड आपको इंटरनेट एसेस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप दोनों में क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो इंटरनेट एसेस शेयरिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको इस वाले मोबाइल में दिखाई दे रहा हूँ कि नेटवर्क शेयरिंग स्टार्टेड। और फिर दोस्तों आपको क्या करना है कि जिस मोबाइल में आप ले रहे हैं डेटा को उसमें आपको नेट बंद कर देना है, और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना तो मेरा वाईफाई चालू है और ना ही हॉटस्पॉट, ना डेटा चालू है। तो अब दोस्तों मैं यूट्यूब में जाता हूँ और वहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी मेरा वीडियो है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो देख सकते हैं आप। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने अपना यूट्यूब ऑन कर लिया है, ओपन कर लिया है, और कोई भी वीडियो मैं चला करके आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो वीडियो है वो लगातार चल रहा है बिना किसी बफरिंग के, और ऊपर आप देख भी सकते हैं कि ना तो कोई वाईफाई का ऑप्शन है ना तो कोई डेटा का ऑप्शन है, केवल ब्लूटूथ पेयर है दोनों मोबाइल्स में। आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, और आप मैं स्लाइड करके भी आपको दिखाई दे रहा हूँ कि ना तो मेरा डेटा चालू है और ना ही वाईफाई, केवल और केवल मेरा ब्लूटूथ चालू है। और आप देख सकते हैं कि जो हमारा वीडियो है वो नॉन स्टॉप चल रहा है। तो दोस्तों आपको तो टेक्निक समझ में आ ही गई होगी कि किस तरह से ब्लूटूथ से भी नेट शेयर किया जा सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारा वीडियो है वो एकदम नॉन स्टॉप चल ही रहा है, और आप इस वाले मोबाइल्स में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर केवल डेटा और ब्लूटूथ चालू है, यहाँ पर हॉटस्पॉट नहीं।
चालू है, केवल ब्लूटूथ से ही नेट को शेयर किया जा रहा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ यार हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।